बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने फाइल और फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड कुछ डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि फाइल पॉइंटर क्या होता है, फाइल को किस तरह से ओपन और क्लोज किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, याद रखिए, एक फाइल पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए आप सबसे पहले अपने प्रोग्राम में एक फाइल पॉइंटर को डिक्लेयर करेंगे, फिर फाइल को ओपन करेंगे, उसके बाद अपना मतलूबा ऑपरेशन जैसे कि फाइल पर कुछ राइट या फिर फाइल से रीड करने के बाद आप उस फाइल को क्लोज कर देंगे। यानी दोस्तों, किसी भी फाइल के प्रोग्राम में फाइल पॉइंटर डिक्लेरेशन, फाइल ओपन फंक्शन यानी एफ ओपन फंक्शन जिसके जरिए आप फाइल को ओपन करेंगे, और एफ क्लोज फंक्शन जिसके जरिए आप दोबारा से हार्ड डिस्क में उस फाइल को रखेंगे, तो इन तीनों स्टेटमेंट्स का होना जरूरी है। अब आइए जानते हैं कि फाइल पॉइंटर क्या होता है और ये किस तरह से आप डिक्लेयर करते हैं और ये क्या काम करता है। और डियर फ्रेंड्स, ये देखिए, सबसे पहले आप इसको डिक्लेयर करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले एफ आई एल ई फाइल लिखेंगे कैपिटल लेटर में, उसके बाद स्टेरिक, और आखिर में आप अपने फाइल पॉइंटर का नाम देंगे। और आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने FP नाम का फाइल पॉइंटर लिया है। और दोस्तों, यहाँ पर ये स्टैटिक कंपाइलर को बताएगा कि एक पॉइंटर है जिसकी डेटा टाइप फाइल है। दोस्तों, अभी तक आपने इंटीजर वैल्यूज के लिए इंट डेटा टाइप देखी है, इसी तरीके से फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के लिए फ्लोट डेटा टाइप का इस्तेमाल किया है। और अब क्योंकि हम फाइल्स को हैंडल कर रहे हैं, फाइल्स पर काम कर रहे हैं, तो अब हमें यहाँ फाइल डेटा टाइप को ही यूज करना होगा। और ये फाइल डेटा टाइप डिफाइन होती है आपकी stdio.h लाइब्रेरी फाइल में। यानी इस फाइल डेटा टाइप को यूज करने के लिए आपको stdio.h लाइब्रेरी फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाना जरूरी है। अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपने फाइल पॉइंटर को डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन इस फाइल पॉइंटर का काम क्या है। तो दोस्तों, ये फाइल पॉइंटर इनडायरेक्टली पॉइंट कर रहा होता है उस फाइल को जो हार्ड डिस्क में मौजूद है और जिस पर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। तो डियर फ्रेंड्स, आपका पॉइंटर मौजूद है प्रोग्राम में और प्रोग्राम मौजूद है रैम में। अब फाइल पॉइंटर को, अगर फाइल को पॉइंट करना है तो उसके लिए फाइल को यहाँ रैम में लाना पड़ेगा, क्योंकि फाइल मौजूद है हार्ड डिस्क के अंदर, और इसके लिए यूज किया जाता है एफ ओपन फंक्शन को। दोस्तों, ये देखिए, एफ ओपन फंक्शन को हम किस तरह से डिक्लेयर करेंगे। दोस्तों, यहाँ एफ ओपन फंक्शन लिखेंगे जो कि प्रिंट एफ और स्कैनएफ की तरह एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि stdio.h लाइब्रेरी फाइल में ही डिफाइन है। इसके बाद है पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में आप दो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। पहला आर्ग्यूमेंट है फाइल नेम, और यहाँ आप उस फाइल का नेम लिखेंगे जिसको हार्ड डिस्क से आप रैम में लाना चाहते हैं। और सेकेंड आर्ग्यूमेंट है मोड। दोस्तों, यहाँ मोड से मुराद है कि फाइल को आप यहाँ लाए हैं उस पर आप क्या परफॉर्म करना चाहते हैं, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, आप किस मकसद के लिए उस फाइल को लाए हैं। और डियर फ्रेंड्स, यहाँ आप इन मोड्स में से किसी भी एक मोड के जरिए कंपाइलर को बताएंगे कि आप इस हार्ड डिस्क से आने वाली फाइल पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं। दोस्तों, ये मोड्स क्या हैं, किस तरह काम करते हैं, इसकी डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी आप ये याद रखें कि मोड के पैरामीटर में आप इनमें से, यानी ये जो आपको मोड नजर आ रहे हैं, इनमें से कोई एक पैरामीटर ही लिख सकते हैं। और याद रहे दोस्तों, ये दोनों पैरामीटर्स यानी एफ ओपन फंक्शन के ये जो दोनों पैरामीटर्स हैं, ये स्ट्रिंग टाइप के होंगे, इसीलिए हमने इन्हें डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा है। और आखिर में दोस्तों, आप पैरेंथेसिस को क्लोज करने के बाद सेमीकोलन लगा दीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, मिसाल के तौर पर ये हार्ड डिस्क है जिसमें फाइल रखी हुई है f1.txt, जिसको हम रैम में लाना चाहते हैं, और रैम में लाकर हम इस फाइल में कुछ राइट करवाना चाहते हैं यानी कोई डाटा स्टोर करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए जो हम एफ ओपन फंक्शन की स्टेटमेंट लिखेंगे वो कुछ इस तरह से होगी। दोस्तों, यहाँ फर्स्ट पैरामीटर हमने फाइल का नाम लिख दिया है, और मोड में हमने w लिखा है, मीन्स राइट मोड। और ये स्टेटमेंट कंपाइलर को बताएगी कि ये f1.txt नाम की फाइल है जिस पर यूजर कुछ राइट करना चाहता है, तो ये फाइल हार्ड डिस्क में से लेकर आओ। तो डियर फ्रेंड्स, अब ये एफ ओपन फंक्शन काम क्या करता है। दोस्तों, जैसे ही आप एफ ओपन फंक्शन में फाइल का नाम लिखते हैं, तो एफ ओपन फंक्शन
हार्ड डिस्क में रखी इस फाइल को रिप्रेजेंट करने वाली एक इमेज लोड कर देता है रैम में, और जिसको दोस्तों हम बफर भी कह सकते हैं। अब यही बफर इस फाइल को रिप्रेजेंट करेगा और जो भी काम आप इस बफर पर करेंगे वो इस हार्ड डिस्क में रखी fn.txt फाइल पर सेव कर देगा। और दोस्तों बफर बनाने के बाद fopen फंक्शन एक फाइल टाइप का ही वेरिएबल भी बना देता है, और डियर फ्रेंड्स इस वेरिएबल में स्टार्टिंग एड्रेस होता है इस बफर का, यानी ये वेरिएबल पॉइंट कर रहा होता है इस बफर को। तो डियर फ्रेंड्स fopen फंक्शन क्योंकि प्री डिफाइंड फंक्शन है तो अभी आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि वो बफर कैसे बनाता है, वेरिएबल कैसे बनाता है। बस आप ये याद रखें कि fopen फंक्शन रिटर्न करता है इस वेरिएबल के एड्रेस को जो कि बफर को पॉइंट कर रहा है। और अब जब आप इस पूरी स्टेटमेंट को असाइन कर देंगे fp यानी फाइल पॉइंटर को, तो इस तरह क्योंकि fopen के पास यानी fopen फंक्शन के पास इस वेरिएबल का एड्रेस मौजूद है, तो ये एड्रेस fopen फंक्शन दे देगा फाइल पॉइंटर fp को। यानी अब ये फाइल पॉइंटर fp पॉइंट करेगा इस वेरिएबल को। तो डियर फ्रेंड्स इस तरह वी कैन से कि ये जो हमारा फाइल पॉइंटर है ये इनडायरेक्टली इस फाइल को ही पॉइंट कर रहा होता है जिसका बफर हम लेकर आए हैं रैम में। यानी दोस्तों अगर हम इस पूरे प्रोसीजर का सम अप करें तो जैसे ही आप fopen फंक्शन लिखेंगे यहाँ पर फाइल नेम बताएंगे और मोड बताएंगे, तो यहाँ पर ये फाइल नेम और मोड क्या करता है, ये बताता है कि हार्ड डिस्क से आप कौन सी फाइल लेकर आना चाहते हैं और उस पर क्या फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं। अब दोस्तों फाइल ओपन फंक्शन की इस स्टेटमेंट को लिखते ही फाइल ओपन फंक्शन इस फाइल का जो एक इमेज है बिल्कुल इस जैसी एक और फाइल लेकर आ जाएगा रैम में, और रैम में वो जो इमेज है उसको नाम दे देगा बफर को, और साथ के साथ एक फाइल टाइप का वेरिएबल भी बना देगा। यानी fopen फंक्शन दो काम करेगा, इमेज लेकर आएगा इस फाइल की और साथ के साथ एक फाइल टाइप का वेरिएबल बना देगा, और इस फाइल टाइप के वेरिएबल के अंदर स्टार्टिंग एड्रेस होगा इस बफर का। यानी ये जो फाइल टाइप का वेरिएबल है ये पॉइंट कर रहा होगा इस बफर को। और दोस्तों ये fopen फंक्शन क्या करता है, जो इसने वेरिएबल बनाया है जो कि पॉइंट कर रहा है बफर को, ये उस वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करता है। यानी उस वेरिएबल का एड्रेस इस fopen फंक्शन को रिटर्न करता है। लेकिन जब आपने यहाँ पर लिख दिया fp equals to fopen, तो जो भी इस fopen फंक्शन ने रिटर्न किया होगा वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा इस fp को। और fp क्या है दोस्तों, fp हमारा फाइल पॉइंटर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फाइल पॉइंटर पॉइंट कर रहा है इस फाइल वेरिएबल को, क्योंकि इसके पास अब इसका एड्रेस है और ये फाइल वेरिएबल पॉइंट कर रहा है इस बफर को। तो इनडायरेक्टली आपका ये फाइल पॉइंटर जो है ये बफर को ही पॉइंट कर रहा है। और दोस्तों यही वो बफर है जिसके ऊपर अगर आप कुछ भी राइट करना चाहते हैं फाइल पर, तो वो सिर्फ इस बफर पर राइट होगा, और जैसे ही ये बफर फुल होगा तो ये बफर अपनी इस पूरी इमेज को डाल देगा इस fn.txt में। यानी जो भी इस पर आपने काम किया होगा वो इस fn.txt फाइल के अंदर चला जाएगा। इस तरह ये fopen फंक्शन काम करता है। अब डियर फ्रेंड्स आप फाइल पर कुछ राइट करवाना चाहते हैं, कुछ रीड करना चाहते हैं, तो आपके पास फाइल पॉइंटर में एड्रेस रखा हुआ है, आप उस एड्रेस के थ्रू बफर में जाएंगे, जो कुछ आप राइट करेंगे वो बफर पर राइट होगा, और जैसे ही बफर फुल होगा तो ये इस पूरी इमेज को लोड कर देगा fn.txt फाइल में। अब दोस्तों मिसाल के तौर पर आप बफर में डाटा राइट कर रहे हैं लेकिन बफर फुल नहीं हो, यानी याद रखें अगर बफर फुल होगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है खुद से ही लोड कर देगा अपने डाटा को इस फाइल में। लेकिन अगर आपने ये बफर को के ऊपर राइट करना शुरू किया, डाटा लिखना शुरू किया, लेकिन बफर फुल नहीं हुआ, बफर अभी खाली है, तो अब आप कैसे कंपाइलर को बताएंगे कि मैंने फाइल में जो कुछ राइट करना था वो कर दिया, अब इस फाइल को वापस से हार्ड डिस्क में रख दें। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर फाइल को क्लोज कर देंगे एफ क्लोज फंक्शन के थ्रू। यानी अब बारी आती है एफ क्लोज फंक्शन की। तो दोस्तों ये इसका सिंटैक्स देखिए, आप सबसे पहले एफ क्लोज लिखेंगे स्मॉल लेटर में, देन पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में आप फाइल पॉइंटर का नेम देंगे, क्योंकि दोस्तों फाइल पॉइंटर क्योंकि इनडायरेक्टली बफर को ही पॉइंट कर रहा है, तो जब आप फाइल पॉइंटर को क्लोज करेंगे तो ये क्लोज फंक्शन बफर के डाटा को फोर्सफुली हार्ड डिस्क में रख देगा। यानी फोर्सफुली हार्ड डिस्क में रखी फाइल fn.txt के पास भेज देगा, और दोस्तों साथ के साथ बफर को, फाइल वेरिएबल को और पॉइंटर तीनों को क्लोज कर देगा, जिसकी वजह से जो जगह
रैम में बफर, फाइल वेरिएबल और फाइल पॉइंटर ने ली हुई थी वो भी रिलीज हो जाएगी, विच मीन्स कि जब कभी भी आप फाइल को ओपन करेंगे एफ ओपन फंक्शन के थ्रू, तो उस फाइल को क्लोज करना भी जरूरी है एफ क्लोज फंक्शन के थ्रू। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने समझ लिया कि ये जो फाइल हैंडलिंग है ये किस तरह से होती है और किस तरह से आप फाइल पॉइंटर किस तरह से काम करता है, एफ ओपन फंक्शन क्यों जरूरी है और एफ ओपन फंक्शन क्या करता है, ये फाइल को रैम में लोड करने के लिए यूज किया जाता है और एफ क्लोज फंक्शन क्या करता है, ये फाइल को वापस से हार्ड डिस्क के अंदर डालने के लिए यूज किया जाता है। अब आइए एक प्रोग्राम के थ्रू फाइल को ओपन और क्लोज करना सीखते हैं। दोस्तों, क्योंकि हम फाइल हैंडलिंग पर काम कर रहे हैं तो इसके लिए आप जानते हैं कि हम stdio.h लाइब्रेरी फाइल को यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे #include stdio.h इसके बाद आप अपना main फंक्शन लिखेंगे void main void, उसके बाद curly braces। अब दोस्तों, मैंने आपको बताया कि फाइल के अंदर जो आपको पहला काम करना है वो है फाइल पॉइंटर को डिक्लेयर करना। फाइल पॉइंटर जो है वो फाइल टाइप का होता है, तो आप सबसे पहले उसकी डेटा टाइप लिखेंगे फाइल, उसके बाद स्टेरिक लगाएंगे जो कि बताएगा कि ये एक पॉइंटर है, और उसके बाद आप उस फाइल पॉइंटर को नाम दे देंगे, जैसे कि हमने यहाँ इसको नाम दे दिया fp। के बाद दोस्तों, आपने जब पॉइंटर को डिक्लेयर कर दिया तो दूसरी बारी आती है फाइल को ओपन करने की, और फाइल को ओपन करने का तरीका क्या है, एफ ओपन लिखेंगे जो कि एक फंक्शन है। इसके अंदर हमें दो पैरामीटर्स पास करने होते हैं कि किस फाइल को आप हार्ड डिस्क में से लेकर आना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम दोस्तों एक फाइल का नाम लिखते हैं myfile.txt, और याद रखिए इसके दोनों पैरामीटर्स जो हैं वो स्ट्रिंग टाइप होंगे, यानी डबल कोटेशन में आप लिखेंगे। और अब आप बताएंगे मोड। दोस्तों, मोड से मुराद है कि ये जो फाइल आप लेकर आए हैं इस पर आप क्या फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस फाइल में कोई डाटा राइट करना चाहती हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पर W लिख दूंगी, यानी राइट के लिए जो मोड यूज किया जाता है वह W मोड, और मैं इस तरह से यहाँ पर सेमीकोलन लगा दूंगी। अब दोस्तों, जब आपने फाइल को ओपन कर दिया, अब इसमें राइट कैसे किया जाता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आखिर में आप ये याद रखिए कि फाइल को ओपन करने के बाद फाइल को क्लोज करना भी जरूरी है, जिसके लिए हम एफ क्लोज फंक्शन का यूज करेंगे। और आप जानते हैं कि ये जो fp पॉइंटर है, हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपने ये गलती कर दी, वो ये कि अब आपको ये जो पूरी फाइल आप लाए हैं इसको आपको असाइन करना होगा fp को, यानी फाइल पॉइंटर को, तभी तो दोस्तों ये जो एफ ओपन फंक्शन है ये रिटर्न कर रहा होगा उस वेरिएबल को जिसका एड्रेस जो है बफर का स्टार्टिंग एड्रेस है, तो यानी उस वेरिएबल को जो कि पॉइंट कर रहा होगा बफर को। तो अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये फाइल पॉइंटर जो है ये बफर को भी पॉइंट करे, तो इसके लिए हम इस एफ ओपन फंक्शन से जो हमें एड्रेस मिलेगा उसको असाइन कर देंगे इस फाइल पॉइंटर को, यानी अब इनडायरेक्टली आपका ये जो फाइल पॉइंटर है ये आपकी इस फाइल myfile.txt को पॉइंट कर रहा होगा। इसके बाद दोस्तों एफ क्लोज फंक्शन लिखेंगे, और एफ क्लोज फंक्शन में आप किसी फाइल पॉइंटर को ही एज अ पैरामीटर पास करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इस स्टेटमेंट की वजह से ये फाइल पॉइंटर जो है ये पॉइंट कर रहा है इस वाली फाइल को। इसके बाद दोस्तों आप इसको सेव करेंगे। दोस्तों, जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, मिसाल के तौर पर ये आपने कंट्रोल एस किया और इसको सेव करने के लिए आपने लिख दिया फाइल .c का नाम आपने दे दिया। दोस्तों, जैसे ही आपने इसको सेव किया तो आप यहाँ पर जब ओपन करेंगे और जितने भी आपके प्रोग्राम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जितने भी आपकी फाइल्स इस डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है, तो यहाँ पर आपको ये वाला प्रोग्राम तो नजर आ रहा होगा, यानी फाइल 4.c ये रहा दोस्तों, ये आपको नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये जो आपकी फाइल है myfile.txt ये अभी तक ओपन नहीं हुई है। तो इसके लिए दोस्तों, जैसे ही आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो तभी तो ये फाइल आएगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इसको रन किया, रन करने पर आपको यहाँ आउटपुट स्क्रीन पर तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जब हम इसको ओपन करेंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे, ये हम एफ की जगह पे जाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आप गौर करें तो ये देखिए myfile.txt, ये देखिए दोस्तों, ये myfile.txt जो है आपके प्रोग्राम के रन होते ही यहाँ पर आ गए है, यानी ओपन हो चुकी है। तो इस तरह से दोस्तों
अगर आप किसी भी फाइल पर कोई काम करना चाहते हैं तो उस प्रोग्राम में आपको तीन चीजों को लिखना जरूरी है, तीन स्टेटमेंट्स को लिखना जरूरी है। सबसे पहले है फाइल पॉइंटर को डिक्लेयर करना, उसके बाद एफ ओपन फंक्शन को डिक्लेयर करना, और फिर उस एफ ओपन फंक्शन को असाइन कर देना इस फाइल पॉइंटर, और आखिर में उस फाइल को क्लोज कर देना। उस फाइल को क्लोज करने का फायदा ये होगा कि आपकी फाइल जब आप उस पर सारा काम कर चुकेंगे तो दोबारा से आप उसको हार्ड डिस्क के ऊपर प्लेस कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारे लेक्चर का इख्तिताम हुआ, जिसमें हमने सीखा कि फाइल पॉइंटर क्या होता है, एफ ओपन फंक्शन क्या होता है, और एफ क्लोज फंक्शन किस तरह से काम करता है। अगले लेक्चर में हम फाइल मोड्स की डिटेल आपको बताएंगे कि एक फाइल के अंदर आप कितने तरह के मोड्स को असाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।